डिसलाइक या लाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत एक टीवी शो के होस्ट को दिखाने से हुई जिसका नाम लांस था। उसका शो रियलिटी शो था, यानी बेसिक शो में दिखाई जाने वाली चीजें फेक यानी नकली हों, पर ये सबको असली कहकर दिखाते थे। शो में लांस अपनी और अपने साथियों की एपिसोड वीडियो सबको दिखाता है जिसमें वो और उसके साथी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल चीजें होती हैं, यानी नॉर्मल से हटकर कोई भूतिया चीजें। इस शो का नाम ग्रेव इनकाउंटर्स ही था, जो इस मूवी का नाम भी है। वहाँ होने वाली सभी चीजों को ये रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। एक एपिसोड यानी किस्त के लिए एक बहुत ही पुराने मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, जो यहाँ के लोगों के हिसाब से भूतिया हॉस्पिटल है, जो बात सच भी थी। अब वो लोग अपना हॉस्पिटल वाला एपिसोड आधा अधूरा तो पूरा कर लेते हैं, पर फिलहाल में वो एपिसोड नहीं दिखाया जाता, बल्कि ग्रेव इनकाउंटर शो का प्रोड्यूसर दिखाया गया जो इंटरव्यू दे रहा था, जिसमें वो बताता है कि ये शो 5 एपिसोड्स के बाद ही बंद कर दिया गया और 6 एपिसोड यानी हॉस्पिटल वाला किसी को इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि शूटिंग के दौरान ही हॉस्पिटल से लांस और उसके सभी साथी गायब हो गए। फिर कुछ वक्त के बाद हमें उन लोगों की एक बगैर एडिट हुई वीडियो मिली जिसे एडिट करके हमने एक फिल्म बनाई और फिल्म में वो सब दिखाया गया जो लांस और उसके साथियों के साथ हॉस्पिटल में हुआ, जो सब बिल्कुल सच था। इतना कहते ही वो फिल्म दिखाई जाने लगी जहाँ सबसे पहले हमें इस फिल्म की कास्ट दिखाई गई, जिनमें पहले था शो का होस्ट लांस, फिर आता है कैमरामैन और कैमरा ऑपरेटर यानी जो कैमरा को लगाएगा और खराब होने पर ठीक करेगा। इसके बाद आते हैं दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यानी जो काले जादू जादू को खत्म करने और भूत आत्माओं को भगाने की माहिर होते हैं। ये सब कुछ इन लोगों के लिए फेक नकली था। उस हॉस्पिटल में भूत आत्माएं हैं या नहीं इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि इनके पिछले सारे एपिसोड्स भी फेक थे। ये फिर हॉस्पिटल के पास आए जो काफी टाइम से बंद पड़ा था, लेकिन इसके बारे में अफवाहें थी कि रात को यहाँ से मरीजों के हंसने की आवाजें आती हैं। फिल्म में एक डॉक्टर बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों को लाया जाता था जिनका दिमागी तवाजन बिल्कुल खराब था, यानी जिनके ठीक होने की दोबारा कोई चांसेस नहीं हुआ करती थी। यहाँ आकर मरीज वैसे भी ठीक नहीं हो सकती थी क्योंकि ठीक से उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता था। ये हॉस्पिटल उनके लिए किसी जेल से कम नहीं था। इस हॉस्पिटल का एक हेड डॉक्टर बड़ा ही अजीब था क्योंकि वो यहाँ के लोगों पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे किया करता था, तो इस वजह से तंग आकर कुछ मरीजों ने उस हेड डॉक्टर को मार दिया। इसीलिए कहा जाता है कि सभी मरने वाले मरीजों की आत्माएं आज भी इस हॉस्पिटल में घूमती रहती हैं, साथ ही डॉक्टर की भी, जो रात के वक्त अपनी नर्सिस के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी इस बात का पता लगवाने के लिए लांस और उसके साथी हॉस्पिटल आए, पर उन्हें कुछ भी अजीब होने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो तो इन सब चीजों का मजाक बना रहे थे। जैसे ही रात हुई इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर मेन दरवाजे पर अपना कैंप लगा लिया। लांस यहाँ के वार्ड मैन से कहता है कि तुम इस दरवाजे को बाहर से बंद कर लो, पूरी रात नहीं खोलना, सुबह 6 बजे ही खोलना है। कैमरा ऑपरेटर ऐसी हर जगह पर कैमरा लगा देता है जहाँ पर नॉर्मल भूत आत्माओं के होने के चांसेस ज्यादा थे। काफी देर हो गई थी पर अभी तक इन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। इस बिल्डिंग के नीचे बहुत लंबी काफी सारी सुरंगें थी जो एक दूसरी बिल्डिंग से जुड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद कैमरामैन जब अकेला था तो उसका पिछला दरवाजा अपने आप ही खुल गया जिससे वो थोड़ा डर जाता है। ये देख पर नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लगा कि जरूर यहाँ कोई भूत है, इसीलिए वो अपने एक डिवाइस की मदद से भूत से बात करने की कोशिश करते हैं। और तभी अचानक जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लड़की थी उसके बाल कोई अनजान ताकत हिला देती है जो नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से सभी लोग काफी डर गए और अब उन्हें यकीन हो गया था कि सच में यहाँ कुछ तो है। पर इस चीज से लांस परेशान नहीं बल्कि खुश था क्योंकि आज वो पहली बार किसी सच्ची भूतिया जगह पर आए थे और यहाँ शूट की जाने वाली सभी वीडियो से वो अमीर बन सकते थे। इसके बाद ये सभी लोग अपने कैंप में वापस आकर वार्ड मैन के दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगते हैं, जबकि कैमरा ऑपरेटर अकेला ही सारे कैमरास उतारने जाता है, पर क्योंकि काफी देर हो गई थी वो वापस नहीं आया था, इसीलिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अलावा सब उसे ढूंढने गए। पर तभी एक ना दिखने वाली ताकत कैमरामैन को नीचे गिरा देती है जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट लग गई। फिर सारे लोग दोबारा कैंप में आ गए क्योंकि कैमरा ऑपरेटर इन्हें नहीं मिला था। अजीब बात ये थी कि 7:30 हो गए थे पर वार्ड मैन ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था, पर क्योंकि कैमरामैन को कैसे भी करके यहाँ से निकलना है इसीलिए वो दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि दरवाजा बाहर नहीं बल्कि हॉस्पिटल की एक दूसरी जगह पर खुल रहा है। ये कुछ और दरवाजे तोड़ते हैं पर सारे ही हॉस्पिटल के अंदर ही खुल रहे थे और तो सभी खिड़कियों और छत पर जाने का रास्ता भी पूरी तरह सील किया हुआ था, यानी ऐसे बंद किया गया था कि दोबारा खोलना बहुत मुश्किल था। तो अब ये सारे लोग ये सोचकर परेशान हो गए कि हम इस हॉस्पिटल में फंस गए हैं। एक अजीब बात ये भी थी कि अभी तो दोपहर का टाइम हो गया था लेकिन हॉस्पिटल में अभी भी रात ही थी, जिसका मतलब ये हॉस्पिटल टाइम को भी अपने कंट्रोल में करके अपने हिसाब से बदल रहा है। अब तक हार कर ये लोग एक जगह ही बैठ गए और सो जाते हैं और अब इन्हें यहाँ पूरे 21 घंटे हो गए थे। जागने पर ये दोबारा बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे कि तभी इन्हें कैमरा ऑपरेटर के चिल्लाने की आवाज आई। ये लोग जैसे वहाँ पहुँचे तो एक लड़की दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी
खड़ी हुई थी, लेकिन वो जैसे मुड़ी उसका चेहरा बहुत डरावना था क्योंकि वो एक आत्मा थी। वो जैसे ही चिल्लाई उसका चेहरा बिगड़कर और भयानक हो गया। अब ये इतना खतरनाक नजारा देखकर सभी लोग काफी डर गए, इसीलिए फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। पर इस भाग दौड़ में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इनसे अलग हो गया। वो जब एक जगह पर खड़ा था तो अचानक कोई ना नजर आने वाली ताकत उसे उठा उठा कर मार रही थी, जिससे वो इतना जख्मी हो गया कि उसकी हालत अधमरी हो गई, जिसके बाद वो भूत उसे जान से मार डालता है। अब बचे हुए वो तीन लोग एक जगह पर आकर छुप गए, पर कुछ घंटों के बाद उन्होंने देखा कि हमारी कलाइयों पर मरीजों के ब्रेसलेट आ गए हैं, जैसे कि ये लोग मरीज हैं और अपना इलाज करवाने यहाँ आए हैं। तो इस बात को लेकर ये बहुत डर गए, दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी, क्योंकि बच निकलने का इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ इन्हें कैमरा ऑपरेटर मिल गया जो बेहद डरा हुआ था और उसने मरीजों जैसे कपड़े पहने हुए थे, और अब वो पूरी तरह दिमाग का मरीज बन चुका था क्योंकि पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। वो फिर इनसे कहता है कि तुम सब यहाँ से निकल सकते हो, बस तुम्हें भी यहाँ से अपना इलाज करवाना होगा क्योंकि ये चीज मुझे बताई गई है। अब कुछ ही देर में इस जगह की सारी दीवारों से शैतानी हाथ बाहर निकलकर इन पर हमला कर देती है, जिस वजह से इन्हें यहाँ से भी भागना पड़ता है। कैमरामैन जब बार टब के पास खड़ा था तो अचानक की खून वाले पानी से निकलकर बाहर आई, कैमरामैन को पकड़ लेती है और उसे भी अपने साथ पानी में डुबो लेती है। पर जब ये लोग बार टब के पास आकर चेक करने लगे तो कैमरामैन और वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब लांस और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को एक बंद पड़े लिफ्ट मिली, इसलिए लांस जल्दी से एक लोहे का रॉड लेने जाता है क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि हम सुरंग के जरिए निकल सकते हैं। वो जब लोहे का रॉड ले रहा था तो अचानक एक खौफनाक मरीज का भूत, जिसके मुंह से खून आ रहा था, आंखें काली थी, वो लांस पर हमला कर देता है। पर वो जैसे तैसे बाहर आकर रॉड से लिफ्ट खोल लेता है, लेकिन उस मरीज का भूत फिर से उन पर हमला कर देता है। तब ये लोग उसे रॉड से धकेल कर बाहरी छोड़कर लिफ्ट के अंदर आ गए। उधर कैमरा ऑपरेटर जो पूरा पागल हो गया था और सारी सूरत हाल की वजह से तंग आ गया था, वो कूद कर अपनी जान ले लेता है। उसकी भी बहुत बुरी मौत आई और अब सिर्फ लांस और इन्वेस्टिगेटर ही बची थी, जो लिफ्ट की सीढ़ियों से नीचे सुरंग में आ गई थी और उसी सुरंग के रास्ते आगे बढ़ रही थी। तो सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी बल्कि और लंबी होती जा रही थी। लांस इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि हम इस सुरंग में सारा दिन चलते रहे हैं पर ये खत्म ही नहीं हो रही और हम बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे लगता है कि हम यहाँ बुरा फंस गए हैं और ये भूतिया हॉस्पिटल हमें कभी यहाँ से निकलने नहीं देगा। इन्वेस्टिगेटर काफी बीमार हो गई थी जबकि लांस भी उम्मीद खो चुका था, इसीलिए जब ये लोग सुरंग में सो रही थी तो अचानक वहाँ कोहरा आ गया और जब कोहरा हटा तो इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ से गायब हो चुकी थी और अब सिर्फ लांस ही बचा था। कुछ देर और आगे बढ़ने पर लांस बुरी तरह चीखने लगा क्योंकि उसका दिमागी तवाजन भी बुरी तरह खराब हो गया था। चिल्ला चिल्ला कर वो भूतों से बात करने लगा, कहता है कि मुझे भी मार दो तुम, तुमने और किसी को तो छोड़ा नहीं, मेरा भी ये हाल कर दिया, जो कहकर वो बेहोश हो जाता है। पर इस बार जब उसे होश आई तो उसके सामने एक दरवाजा था। लांस दरवाजा खोलकर जब अंदर गया तो ये उस हेड डॉक्टर का ऑफिस था। लांस को यहाँ उन मरीजों की तस्वीरें दिखी जिनके दिमाग पर हेड डॉक्टर ने वो गलत एक्सपेरिमेंट किए थे। उसी ऑफिस में एक ऐसी जगह भी मिली जहाँ काले जादू इन्हीं रिचुअल का सामान पड़ा था और काले जादू वाली एक किताब भी जिस पर मंत्र वगैरह लिखे होते हैं, जिससे साफ जाहिर था कि वो पागल हेड डॉक्टर न सिर्फ गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट करता था बल्कि इन मरीजों पर काला जादू रिचुअल भी किया करता था। पर डॉक्टर के ऐसा करने से कुछ डॉक्टर और मरीजों की आत्माएं हमेशा के लिए इस हॉस्पिटल में कैद होकर रह गईं। तभी लांस के सामने अचानक डॉक्टर और उसके नर्सेस की आत्माएं आ जाती हैं, जो अब अपने अगले मरीज का इलाज करने वाले थे और अगला नंबर और किसी का नहीं बल्कि लांस का था, जिसके बाद ही हम लांस के चिल्लाने की आवाज़ सुन पाते हैं। एक बार फिर वो कैमरा के सामने आकर बताता है कि मेरा इलाज हो चुका है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं घर जा सकता हूँ। इसके बाद हमें दोबारा से फिल्म का प्रोड्यूसर दिखाया गया, जिसने पहले साफ कहा था कि ये फिल्म बिल्कुल असली है, सच्ची है, पर अब वो इस बात को झुठला देता है। उसका कहना था कि ये सिर्फ एक फेक फिल्म है जो मैंने बनाकर लोगों को दिखाई है और कुछ नहीं, शायद वो यहाँ झूठ बोल रहा हो, इस बात को छुपाना चाह रहा हो। तो अब क्या ये फिल्म असली है या नकली, इस बार इस बात का पता लगवाने एक लड़का एलेक्स और उसके दोस्त उस भूतिया हॉस्पिटल में जाने वाले हैं। इसके बाद हमें कुछ यूट्यूबर्स दिखाए गए जो ग्रेव इनकाउंटर फिल्म का रिव्यू दे रहे थे, यानी कि ये कैसी फिल्म है, ड्रावनी है भी या नहीं। जी हाँ, कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और ड्रोने भी लगी, जबकि कुछ लोगों को ये बिल्कुल फजूल बकवास लगी। इन लोगों में एक था एलेक्स, जिसे ये फिल्म खास पसंद नहीं आई और वो इसे सिर्फ एक स्टार ही देता है क्योंकि वो भी एक फिल्म मेकर इन्हीं फिल्म्स बनाने वाला था और वो खुद को इस वक्त का सबसे जहीन फिल्म मेकर समझता था। उसे ये फिल्म इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसका कहना था कि मैं इसे और भी हॉरर ड्रोने करके बना सकता था। उसके इस रिव्यू पर एक दिन उसके पास एक वीडियो मैसेज आता है, जो वीडियो और किसी की नहीं बल्कि लांस की थी, और ये मैसेज किसी जीते जागते
इंसान ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल के एक मरीज की आत्मा ने भेजा था अपने नाम की एक आईडी बनाकर, और उसने ये वीडियो एलेक्स को इसलिए भेजी ताकि उसे उकसा कर वो हॉस्पिटल में ला सके। ये देखकर एलेक्स इस फिल्म की कास्ट पर रिसर्च करने लगा, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रेव इनकाउंटर्स का हॉस्पिटल वाला उनका आखिरी एपिसोड था, क्योंकि उसके बाद ही ये सारे एक्टर और एक्ट्रेस गायब हो गए थे। जो देख अब एलेक्स को भी लगने लगा था कि ग्रेव इनकाउंटर एक सच्ची फिल्म थी। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलने का फैसला करता है। प्रोड्यूसर उससे मिलने को राजी तो हो गया, पर बगैर किसी कैमरा के। लेकिन फिर भी चालाकी से एलेक्स एक छोटा सा कैमरा छुपा कर ले ही जाता है। वह प्रोड्यूसर बताता है कि हाँ, ये फिल्म सच में असली है और मुझे वो सारी वीडियोस खुद नहीं मिली थी बल्कि किसी ने सेंड की थी, मेरे पास भेजी थी। और क्योंकि उस वक्त मेरी कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी, तो मैंने फैसला किया कि उन सारे वीडियोस को जोड़कर एक फिल्म बनाऊं और फिर उसे रिलीज करूं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इससे हम खूब पैसे कमा सकेंगे। लेकिन मेरी सोच से भी बढ़कर हुआ, वो फिल्म हिट से भी ऊपर सुपर हिट हो गई। पर मैंने फिल्म की कास्ट जितने भी लोग थे उनकी फैमिली से एक एग्रीमेंट समझौता किया। मैंने उन्हें कहा कि आप में से कोई भी उनके गायब होने की रिपोर्ट नहीं करेगा, जिस पर वो मान गई। ये चीज एलेक्स को बुरी लगी। उसने फैसला किया कि मैं प्रोड्यूसर का ये सच सबके सामने लाऊंगा, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वो अपने पास आई वीडियो अपने सभी दोस्तों को दिखाकर कहता है कि मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, हमें भी उस हॉस्पिटल में जाकर ग्रेव इनकाउंटर जैसी डरावनी फिल्म बनानी चाहिए। अब एलेक्स को मरीज की आत्मा का एक और मैसेज आया, जो उसे कह रहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लोकेशन वही हॉस्पिटल होगा। अब एलेक्स इसके लिए राजी हो गया, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि उसे एक भूत बुला रहा है। अपने साथ साथ वो अपने सभी दोस्तों को भी जाने के लिए मना लेता है। अगले ही दिन ये हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे, वहाँ गार्ड खड़ा था, इसीलिए अंदर नहीं जा पाए। लेकिन जैसे ही रात हुई, ये गार्ड से बचते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ ही जाते हैं। एलेक्स का कैमरा ऑपरेटर दोस्त हर उस जगह पर कैमरा फिट कर देता है जहाँ पहले वाले कैमरा ऑपरेटर ने किया था। एलेक्स की दोस्त बताती है कि पिछले ग्रुप की तरह हम भी गुम ना हो जाएं, इसलिए हम अपने साथ लाइट वाले स्टिक्स और हॉर्न इन्हें बाजा लेकर आए हैं, जो हमारे काम तब आ सकता है जब हम अलग अलग हो जाएं। फिर पूरे हॉस्पिटल का चक्कर काटने के बाद आखिर ये उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ मरीज के भूत ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था। इस कमरे में इन्हें एक स्पिरिट बोर्ड मिलता है, जो आत्माओं से बात करने या आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलेक्स की दोस्त कहती है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी लोग उस बोर्ड पर हाथ रख के आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ जो भी आत्मा है वो अपना नाम बताए। तब आत्मा उन्हें अपना वही नाम बताती है जिस नाम की आईडी से एलेक्स को मैसेज आया था, जिससे वो समझ गया कि इसका मतलब कि एक आत्मा ने हमें यहाँ बुलाया है, जो जानकर सभी डर गए। इस बात की खबर लगते ही बोर्ड और टेबल अपने आप ही हवा में उड़ जाते हैं, जिससे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो जान चुके थे कि हाँ, सच में यह भूत आत्माएं हैं और ग्रेव इनकाउंटर फिल्म सच्ची है। ये जल्दी से एक कमरे में आकर छुप गए जहाँ सिक्योरिटी गार्ड इन्हें ढूंढ चुका था और यहाँ से बाहर जाने का कहता है। तभी ऊपर वाले फ्लोर से इन्हें आवाज आई, गार्ड चेक करने जाता है पर काफी टाइम के बाद भी वापिस नहीं आया। और तभी इन्हें गन चलने की आवाज आई, जो सुनकर सभी काफी डर जाते हैं। वो एलेक्स को कहती है कि जल्दी चलो यहाँ से, बहुत डर लग रहा है। पर एलेक्स कहता है कि मैं अपने कैमरास लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो अपने दोस्त को सभी कैमरास हटाने का कहता है। उसका दोस्त जैसे खिड़की के पास लगा कैमरा उतारने लगा कि तभी एक ना नजर आने वाला भूत उसे जोर से धक्का मारकर नीचे फेंक देता है। ये जल्दी से वहाँ आई, ये नजारा देखकर बहुत डर जाते हैं। ये उसे भागने की कोशिश करने लगे, दरवाजा ढूंढ रहे थे, पर जाहिर है ये हॉस्पिटल जगह बदलता है, तो उस ग्रुप की तरह इन्हें भी भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये लोग जैसे कमरे में गए, वहाँ एक लड़की बैठी थी जो अचानक बहुत ही डरावनी बन जाती है और इन्हें डराने लगी, क्योंकि वो एक आत्मा थी। ये उसे डरकर भागने लगी, जिस चक्कर में एक लड़की इनसे अलग हो गई, जिसे तभी वहाँ ना नजर आने वाला भूत आकर मार डालता है। दूसरे कमरे में जाने पर इन्हें वहाँ गार्ड मिलता है, जिसे टेबल पर लिटाया हुआ था और कोई उसे बिजली के झटके लगा रहा था। उसे पे इतना जोर का करंट लगाया जाता है कि उसका जिस्म जलने लगा, वो पूरा ही जल गया और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक एक खिड़की से खौफनाक भूत बाहर आकर इन पर हमला कर देता है, पर ये लोग उससे बचते हुए आखिरकार मेन दरवाजे से बाहर आ ही जाते हैं। पर वो भूत बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो यहाँ का मरीज था, इसीलिए वही फंसा हुआ था। अब एलेक्स और उसके दोनों दोस्त अपने होटल के कमरे में आ गए थे, जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगते हैं ताकि यहाँ से भाग सके। लेकिन वो जैसे लिफ्ट में आए, दोबारा से हॉस्पिटल की सुरंग में आ जाते हैं, जिसका मतलब कि वो कभी बाहर गए ही नहीं थे। बस इस हॉस्पिटल ने अपना रुख बदलकर उस कमरे की तरफ किया था कुछ देर के लिए। ये हॉस्पिटल और यहाँ के भूत इनके दिमाग से भी खेल रहे हैं। सुरंग में और आगे जाने पर इन्हें एक अजीब सा आदमी मिला, क्योंकि वो
पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, उसके लंबी लंबी बाल थी। तब यहाँ हमें पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि लांस है, जो यहाँ कब का बसा हुआ है और जिंदा इसलिए है क्योंकि वो चूहे खाकर गुजारा करता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हॉस्पिटल का टाइम भी बदलता है, तो लांस के हिसाब से वो यहाँ 9 महीने से बसा हुआ है, जबकि असल में वो यहाँ 9 सालों से बसा हुआ था। इतने टाइम से यहाँ रहने की वजह से उसने हॉस्पिटल का पूरा नक्शा भी बना लिया था, जो एक शहर से भी काफी बड़ा था। लांस इन्हें बताता है कि मैंने इस हॉस्पिटल की सारे दरवाजे खोल दिए, पर एक लाल दरवाजा है जो मैं अभी तक नहीं खोल पाया क्योंकि उसके ऊपर मोटी जंजीर लगी हुई है। मेरे हिसाब से बाहर निकलने का रास्ता वही है, पर उस जंजीर को काटने के लिए हमें एक कटर चाहिए जो गुम हो गया है, क्योंकि वो एलेक्स ने कहीं गिरा दिया था। पर नक्शे के हिसाब से उस कमरे में आ गए थे जहाँ वो कटर था, जो इन्हें यहाँ मिल भी जाता है। थोड़ा आराम करने के लिए वो इसी कमरे में रुक गए, पर यहाँ हम बड़ा ही अजीब नजारा देखते हैं। एक कैमरा हवा में लहराता हुआ इनकी वीडियो बना रहा था। ये दरअसल कोई आत्मा थी जो इनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। जागने के बाद एलेक्स का दोस्त वॉशरूम में गया, वो अपने मॉम डैड के लिए आखिरी मैसेज छोड़ता है। तभी पीछे से लांस आ गया जो उसका गला दबाकर मार देता है और कटर वहाँ से लेकर भाग जाता है, जिसके बाद वो लाल दरवाजे की जंजीर काट कर दरवाजा खोल देता है। पर कुछ नहीं होता, यानी कि बाहर जाने का रास्ता उसे नहीं मिला था। इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ आत्माओं से कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया, फिर तुमने क्यों बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाया मुझे। जिसके बाद एक आत्मा दीवार पर लिखती है कि तुम ऐसा करो, सारे टिप्स इकट्ठे करके इस फिल्म को पूरा करो, जिसका मतलब है कि वो भूत आत्माएं चाहती हैं कि ये फिल्म पूरी हो, ताकि फिल्म देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए ये देखने के लिए कि सच में यहाँ भूत आत्माएं हैं या नहीं। इससे होगा ये कि हेड डॉक्टर और लोगों का इलाज करेगा और अपने रिचुअल के लिए लोगों की कुर्बानी देगा। अब एलेक्स और उसके दोस्त हेड डॉक्टर के कमरे में आ गए थे, जहाँ डॉक्टर एक बूढ़े आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और रिचुअल के लिए एक छोटे बच्चे की कुर्बानी देने वाला था। और यही शैतानी रिचुअल करके उसने आज तक इस हॉस्पिटल से असली दुनिया और आत्माओं की दुनिया को जोड़ रखा है। अब नक्शे की मदद से एलेक्स और उसकी दोस्त भी लाल दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां लांस भी था। वो कहता है कि मुझे सारे टेप्स चाहिए और हाँ, कोई एक ही इन सारे टेप्स को लेकर यहाँ से बाहर जा सकता है। इसी बात के साथ लांस और एलेक्स की लड़ाई होने लगी, जिसके साथ ही वहाँ दीवार पर एक पोर्टल रास्ता खुल गया जिसके अंदर लांस चला गया था, जो जगह दरअसल आत्माओं की दुनिया थी। तो अब यहाँ एलेक्स को समझ लग गई थी कि मुझे यहाँ आत्माओं ने क्यों बुलाया है, फिल्म पूरी करने के लिए, और अब मुझे कैसे भी करके इसे पूरा करना ही है। और क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक इंसान बाहर जा सकता है, इसलिए एलेक्स अपने दोस्त के सर पर कैमरा से वार करता है, मार मार कर उसका सर कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सारे टेप्स को एक बैग में डालकर लाल दरवाजे से बाहर आ जाता है। वो खेतों में था, क्योंकि सच में वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। इसके बाद हम एलेक्स को फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ देखते हैं, क्योंकि एलेक्स ने आत्माओं का काम पूरा कर दिया था, यानी वो सारे टेप्स प्रोड्यूसर को दी और उसने पूरी फिल्म बना ली, जिसके बाद उसे रिलीज भी कर दिया गया। यह प्रोड्यूसर कहता है कि इस दूसरी फिल्म का नाम ग्रेव इनकाउंटर्स 2 है और ये भी पिछले पार्ट की तरह फेक है। एलेक्स भी उसका साथ देकर कहता है कि हाँ, ये फिल्म सच में झूठी है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है और कोई भी उस हॉस्पिटल के अंदर ना जाए। ऐसा कहकर वो लोगों के अंदर एक तजस्सुस पैदा कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हॉस्पिटल के अंदर जाए, क्योंकि इस तरह एक हिसाब से इनका फायदा है। लोग वहाँ जाएंगे, आत्माएं भूत उन्हें डरा डरा कर मारेंगी और ये अपनी फिल्म बनाकर और इसे फेक कहकर रिलीज करेंगी और खूब पैसे कमाएंगी और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। अब डॉक्टर ये काला जादू एक्सपेरिमेंट और फिल्म्स इसलिए बनवाता था क्योंकि ऐसे करने में उसे बहुत मजा आया करता था, जैसे कि आत्मा बनकर लोगों का इलाज करना, एक्सपेरिमेंट करना उसे बहुत पसंद था। फिर उन लोगों की आत्माएं वो आत्माओं की दुनिया में भेज दिया करता था, क्योंकि ऐसा करने से उसे ताकतें मिलती थी। और इसी के साथ इस मूवी के दोनों पार्ट्स इधर ही खत्म हो जाते हैं। I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta